सीएमडी चेयरमैन एनएमडीसी के मेरे साथ सुमित देव जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि जिस तरह से पिछले हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि एनएमडीसी एक डिविडेंड भी जो दे रहा है वो उसमें काफ़ी इंक्रीज़ आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी एनएमडीसी की बढ़ती जा रही है और एक अच्छी, जैसे कहीं अच्छे महारत्न जो हमारे एनएमडीसी को अवार्ड किया जाता है तो उस तरफ काफ़ी प्रोग्रेस में है, मतलब डिविडेंड के तौर पर देखते हैं। तो धन्यवाद। एनएमडीसी एक नवरत्न कंपनी है करंटली। अभी हम लोग पिछले साल हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया, रिकॉर्ड प्रॉफिट किया, उस हिसाब से हमने डिविडेंड भी दिया है। आगे भी हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग ऐसे ही हम लोग परफॉर्मेंस करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें और डिविडेंड दें। सर, स्टील को आप डीमर्ज कर रहे हैं तो कितनी वैल्यूएशन अभी आप देखते हैं कि इसमें स्टील को डीमर्ज करके कितनी वैल्यूएशन एनएमडीसी को मिलने वाली है? वैल्यूएशन तो बाजार तय करेगी, तो वो जब हम इस चीज़ पे, अभी तो करंटली हम इसको एक डीमर्ज कर रहे हैं, एक सेपरेट स्टील कंपनी कर रहे हैं। उसके बाद में जब डिसइन्वेस्टमेंट के डिसीजन होगी तब फिर बातें होगी इसके वैल्यूएशन की होगी। सर, इन्वेस्टर पॉइंट से बात करूँ, काफ़ी डिविडेंड जैसे इंक्रीज एनएमडीसी का जो है 20% के करीब इंक्रीज़ हो चुका है लगभग, अगर हम देखें कि डिविडेंड के तौर पे, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, लेकिन जब तक काफ़ी गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं, जैसे हमने रॉयल्टी की बात की, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, उसके बावजूद एनएमडीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है, तो इसको किस तरह से आप कहेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, एनएमडीसी काफ़ी अच्छी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है और सिंस हम कमोडिटी मार्केट में हैं तो कमोडिटी मार्केट का अप्स एंड डाउन साइक्लिकल नेचर होता है, तो उस हिसाब से हमारी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी रहता है। बट करंटली अच्छा डिमांड है तो अच्छी इसका कंपनी की जो फ्यूचर है वो भी अच्छा है, करंटली वेरी अच्छा स्टेबल है, अच्छा है। सर, एक्सपोर्ट बैन पर एनएमडीसी की तरफ से बयान भी आया था कि एनएमडीसी एक्सपोर्ट नहीं करती है मिनरल्स जो है आयरन और, फिर भी स्टॉक की वैल्यू काफ़ी 40-60% के करीब डाउन आ गई, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक्सपोर्ट बैन से एनएमडीसी एक्सपोर्ट नहीं करती है, कोई देर इज़ नो फॉर्म, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले हम करते थे, जापान साउथ कोरिया कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था तब हम करते थे। अब हम लोग दो तीन साल से हम लोग नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट, क्योंकि हम वी बिलीव दैट यहाँ पे वैल्यू एडिशन होना चाहिए, कंट्री में वैल्यू एडिशन होना चाहिए और वो हो भी रहा है। हमारे अच्छा डिमांड है यहाँ पे, जो डोमेस्टिक स्टील प्रोड्यूसर्स है उनका ऑफटेक अच्छा है, उन लोग जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं हम लोग यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री और वेदर इट इज़ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर्स, सभी हमारा अच्छा डिमांड है। और जो एनएमडीसी प्रोडक्शन करता है वो अच्छी ग्रेड ओर है, वैलेडिला में सबसे, दुनिया में सबसे बेहतरीन ओर वैलेडिला सेक्टर से आता है, तो ये हम सोचते हैं कि इसकी वैल्यू एडिशन के देश में होना चाहिए। सर, लास्ट में मैं कहूँगा कि 2047 का आप विज़न लेके चल रहे हैं, तो जिस तरह से मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि आज के जो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी यील्ड मिलती है, तो 2047 में आप क्या कहेंगे कि कितनी मतलब इंक्रीमेंट लोगों को मिलने वाली है इसके अंदर? एनएमडीसी, जैसे मैंने बताया आपको, एनएमडीसी हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। आप अगर एनएमडीसी के पास देखेंगे, मोर देन 60 इयर्स ऑफ ये कंपनी का एग्जिस्टेंस है और हमारे पास में काफ़ी अच्छा डिपॉजिट्स है, 3 बिलियन टन्स ऑफ रिसोर्सेज है आयरन ओर का, तो उस हिसाब से देखा जाए हम बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ये करते हैं। आगे हमारी फ्यूचर प्लान्स काफ़ी अच्छी है, हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं सब चीज़ों का, हमारे लॉजिस्टिक्स का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो आगे भी फ्यूचर एनएमडीसी का कंपनी का काफ़ी अच्छा फ्यूचर हमें दिखता है। स्टील इंडस्ट्री का फ्यूचर भी अच्छा है, अभी 300 मिलियन टन का नेशनल स्टील पॉलिसी में टारगेट है, तो हमें लगता है कि अच्छा फ्यूचर है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।